Now we are starting question number 13 exercise miscellaneous chapter 2 class 12 अभी हमारे पास चल रहा है काफी इजी सम है और दोस्तों मेरा काम है हर सम को और ज्यादा इजी तरीके से सोल्व करना। मैंने 12th क्लास में देखा कि 12th क्लास की मैथ सच में काफी ज्यादा इजी है। 12th क्लास की मैथ्स ही एक ऐसी मैथ्स है जिसे आप उस बंदे को भी समझा सकते हैं जिसने आज तक मैथ्स के बारे में ABCD भी नहीं सीखी हो। बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है 12th क्लास की मैथ। और 12th क्लास की एक मैथ्स ये इस तरह से है कि अगर आप इसे सही से समझ लेना आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए आज आप इस सवाल को एक बार सही से समझ लीजिए, मेरी गारंटी है आपको कभी रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सब में कई बार ये सब आता है। देखिए ब्रदर ये लिखा क्या है, आप यहाँ पे देखिए 2 लिखा है ना, 2 tan इनवर्स, ये x जैसा दिख रहा है आप x मान लो इसे, तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से रटा हुआ है। 2 tan इनवर्स x होता क्या है, 2 tan इनवर्स x होता है मेरे भाइयों tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहां पर आपका x कौन है, cos x है, तो आप x के प्लेस में क्या रख लेना, cos x रख लेना। तो आपके पास भाइयों क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x के प्लेस में आप क्या लिख लेंगे जी, आप लिखेंगे tan इनवर्स और उसके बाद 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, ये आपने लिख लिया। ठीक है ब्रदर, बिल्कुल सिंपल है ना। अब मैं यहाँ पे मैथ्स की लैंग्वेज पे बोलूं तो मुझे ऐसे बोलना चाहिए टेकिंग tan और बोथ साइड दोनों साइड का मैं tan ले रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपको ये बात समझ में नहीं आ रही और सिंपल तरीके से बोलूं तो आप ऐसे बोल लीजिए क्या दिक्कत है, tan से tan उड़ गया, ये लीजिए बिल्कुल देसी लैंग्वेज पे इसे सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। मैथ्स को इजी लैंग्वेज में सीखना अच्छी बात है। ये आपके पास ऑप्शन आ गया, ये लीजिए सर मैंने यहाँ से ब्रैकेट हटा दिया है, ओके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो आप ये क्या करिए, ये लीजिए 2 से 2 भी चले गया 2। अब आपके पास क्या रहता है, कोसेक एक्स। सर कोसेक एक्स किसका, आपको याद है ना 10th क्लास में आपने साइन एक्स, 1/sin x ही तो कोसेक एक्स होता है। यहां तक सब समझ में आ रहा है। अब मैं आपसे अगर बात करूं कि 1 cos² x होता क्या है, तो आप मुझे एक ही मिनट में समझा देंगे कि सर ये sin² x होता है। तो अगर ये sin² x होता है तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया है, यहां पर एक sin² x है, आप इसे काट लीजिए। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट लीजिए। देखिए मैंने एक sin x है, ये एक sin x काट दिया, बात समझ रहे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या ऐसे ही रहने दीजिए। बताइए कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, आप बताएंगे ये कोट एक्स होता है और कोट एक्स इक्वल टू 1। ब्रदर 1 कब आता है कोट एक्स में, जब कोट कितना होता है पाई बाई 4, यानी कि एक्स की वैल्यूज कितनी आ गई पाई बाई 4। यही वो हमसे कह रहा था कि सोल्व करो और सोल्व करके बताओ कि यहां पर क्या वैल्यूज एक्स रखेगा, तो डेफिनेटली एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। अगर इसी तरीके के सिंपल तरीके से सारे के सारे सम्स दोनों बुक के आप चाहते हैं कि ये सारी वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाए तो आप मेरे इस नंबर को याद रखिए 70 11 44 11 78, काफी अच्छा नंबर है, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के मैंने यहाँ लिया है। तो आप इसमें मुझे व्हाट्सअप कीजिए और व्हाट्सअप करके मैं आपकी इंक्वायरी को और जितनी वीडियो है सबको काफी रीजनेबल प्राइस में आपके पास अवेलेबल करा दूंगा। मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।